हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, सबको मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, आज हम खेल रहे हैं ट्रेन सिमुलेटर गाइस, हम स्टीम इंजन को खेल रहे हैं। ब्रिटिश रेलवेज का स्टीम इंजन है जो देख सकते हो यहाँ पे, है फुल ब्लैक कलर, ब्लैक नहीं है गाइस, ब्लैक विथ ग्रीन, और यहाँ पे ब्रिटिश रेलवे का अच्छा सा लोगो लगा हुआ है, और यहाँ पे ट्रेन का नंबर है 48007। सो लेट्स सिट इनसाइड द कैबिन गाइस, अंदर बैठते हैं और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे को हम खोलते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, इसको बंद कर देते हैं। फिर ये कुर्सी है गाइस, कुर्सी को पे बैठना है। ओके परफेक्ट गाइस, हमने बैठ चुके हैं अपने ट्रेलर के अंदर, इंजन के अंदर, स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन गाइस, लेट्स गो। तो ये है रिवर्सर, रिवर्सर को हम फॉरवर्ड कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे की तरफ मूव करना है। और ये है ब्रेक, ब्रेक अभी फुल एप्लीकेशन पे है। ब्रेक्स को पूरा रिलीज कर देते हैं और रेगुलेटर अप्लाई करते हैं गाइस। तो क्या है, अभी मौसम पूरा स्नो ही है, पूरा बर्फ़ से भरा पड़ा है। तो बर्फ़ से होने की वजह से क्या है, टायर जो हैं वो स्लिप होते हैं, वो ये सबसे बड़ी मुश्किल टास्क है यहाँ पे। तो इस टास्क को हमें परफेक्टली ख़त्म करना है गाइस। तो हम अभी 25 की स्पीड पर जा रहे हैं, जो आता है 2.7 माइल पर हवर तक की। और बाहर का मौसम देखो गाइस, पूरा बर्फबारी हो रही है, फुल स्नोही स्नोही क्लाइमेट है, फुल विंटर सीजन टाइप। और ये है गाइस इस इंजन की हॉर्न की साउंड, 0.2% की चढ़ाई आ चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है गाइस, क्योंकि अगर टायर स्लिप हो गया तो गाड़ी जो है पीछे की तरफ गिरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। और ये हमारी आपकी को पायलट बोल सकते हैं, हेल्पर बोल सकते हैं। यहाँ पे हैंड ब्रेक है गाइस, यहाँ जब ब्रेक को पुश स्टॉप करते हैं तो यहाँ से हमें प्रेस करना है। और ये कोयला है, इसे हम खोल नहीं सकते हैं, देखो गाइस फुल कोयले से भरा पड़ा। और यहाँ से लेके इधर इसके अंदर डालते हैं कोयले, तो आप देख सकते हो गाइस स्पीड जो है कम हो रहा है, तो आप थोड़ा सा लॉट बढ़ा देते हैं। तो गाइस अभी मैं ट्रेन को फुल स्पीड नहीं कर सकता हूँ, अगर फुल स्पीड कर लिया तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैं ट्रेन को एक नॉर्मल स्पीड पे ही चला रहा हूँ। 205 यार्ड का डिस्टेंस अभी बाकी रह गया है, और दोपहर के 12 बज रहे हैं गाइस। और आप देख सकते हो सीनिक व्यू बहुत ही बढ़िया है गाइस, बाकी में सारे व्हीकल्स लगे हुए हैं, इधर एक टोटल 5 लाइन, 5 ट्रैक पे व्हीकल है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्री है जहाँ पे धुआं निकल रहा है, इधर भी एक धुएं का एक पाइप लगा है, और इधर इस तरह से भी देखो गाइस धुआं निकल रहा है। तो 180 यार्ड का डिस्टेंस बाकी रह गया, थोड़ा और स्पीड बढ़ा देते क्या, बढ़ा लेंगे क्या हो जाएगा। गाइस हमने स्पीड को इंक्रीज कर लिया है, डेस्टिनेशन पे भी रुकना भी तो है यार।
थ्रॉटल डिक्रीज कर लेते हैं, और अभी हमें ब्रेक्स प्रेशर लगाने हैं और ट्रेन को रोकना है। तो 80 यार्ड का डिस्टेंस बाकी रह गया है, 270 यार्ड के गाइस वी हैव रीच्ड द ब्रेक्स। अप्लाई करते हैं और ट्रेन को पूरा रोक देते हैं। तो गाइस हमने ट्रेन को रोक दिया है अपने डेस्टिनेशन पे, तो हमें अभी पीछे की तरफ जाना है और व्हीकल्स को अटैच करना है ट्रेन के साथ। तो रिवर्स जाने के लिए पहले हमें रिवर्सर को रिवर्स के साइड पर चेक करना है, और लाइफ वर्क 5.5% हो गया और ट्रेन को पूरा रिलीज कर देंगे। जो हमारा ट्रेन है वो ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा क्योंकि ढलान है नीचे, तो ढलान होने की वजह से ज़्यादा चिंता नहीं होती है प्रोसेस अप्लाई करने की, बस हमें यही ध्यान रखना है। कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो पहले हम ब्रेक लगा लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं हम गलत ट्रैक पे ना चला जाए। जैसे अब ये दिखा रहा है, ये अभी सीधा जाएगा, तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है। तो ब्रेक रिलीज करके थोड़ा और आगे जाके चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रेन है सही ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पे भी सही है, सही से अटैच हुआ है, और आगे भी उधर देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सारे परफेक्ट है गाइस, तो चिंता की बात नहीं है। ऑल द ट्रैक्स आर इन परफेक्ट पोजीशन, हम ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हम अपने इंजन को अंदर लेके जाते हैं और व्हीकल को कपल करते हैं। तो 200 यार्ड का डिस्टेंस अभी बाकी है, टाइम 12:07 हो गया था, तो 5 मिनट लग गए हमें। को पायलट को देखो, पीछे देख रही है, आगे देख रही है, और सारा अपना काम भी कर रही है। और ये कोयला है गाइस पूरा। तो अब हम स्पीड पे ध्यान देते हैं, स्पीड ज़्यादा हो गया है, स्पीड कम कर देते हैं। डिस्टेंस बाकी रह गया है और अभी हमें कपल करना है इंजन के साथ। तो टोटली 17 व्हीकल्स है गाइस, तो हम सारे व्हीकल्स को कपल कर देते हैं। वेट कम कर लो, ठीक जाके से ब्रेक अप्लाई करने हैं। तो थोड़ा और स्पीड कम कर देंगे, ओके हो गया गाइस। थोड़ा और आगे फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं, ओके गाइस वी डिड इट। तो अब यहाँ पे जाके हमें इसे प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे, मैनुअल कपलिंग लिखा है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो क्या हुक जो है इस पर हुक हो जाता है, और जो ब्रेक प्रेशर का पाइप है वो भी इसे अटैच हो जाता है। वी कैन नाउ बिगिन आवर जर्नी टू सॉल्व बॉन्ड। तो ओके गाइस, हम अपना नेक्स्ट टास्क है साउथ बॉन्ड जाना है, और रिवर्सर को पहले फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि आगे की तरफ हमें मूव करना है। और ब्रेक रिलीज करते हैं, और वैक्यूम प्रेशर को 21 पे आने देते हैं।
अब हम थ्रॉटल अप्लाई करते हैं गाइस, ये रहा थ्रॉटल, 5-10 पे कर लेते हैं, 5-7-8, ओके डन। अब चिंता की बात नहीं है गाइस, क्योंकि आगे ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है तो कोई चिंता नहीं। स्टॉप एट लोकेशन पासपोर्ट हॉल, हमें पासपोर्ट हॉल जाना है गाइस, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वी डिड इट गाइस, हमने कपल कर लिया। ये एक व्हीकल, सब सब अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं, जैसे अलग तरह का है ये, कोई और बॉक्स जैसा है, और पीछे जाते हैं ओपन जैसा है जिसमें कोयला भरा हुआ है, और पीछे वाला जो है वो ट्रेन इंजीनियर के लिए है। अंदर बैठा है क्या इंजीनियर? कोई भी नहीं अंदर, खाली पड़ा है पीछे वाला। स्पीड कम हो रहा है यार, अब ओके। मैंने उसे बंद किया नहीं किया था गाइस, सिलेंडर क्लास ओपन है, मुझे इसे क्लोज करना चाहिए था, गलती हो गई, वरना हो गया इधर से धुआं निकलता रहता है। और सिलेंडर ब्लॉक कभी भी जब ट्रेन रुक जाती है, रुकने के बाद उसे ऑन करना रहता है। और दिस इज अ स्टीम इंजन गाइस, माय फेवरेट इंजन। वाह वाह, हम 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 हम, शोर पड़ रहा है इंजन पे। और मैडम क्या कर रही है? मैडम जी हेलो हेलो, इधर तो देखो, मैडम जी अपने काम पे बिजी है। और हमारा जो ट्रेन है 4 के रफ्तार पे जा रहा है, 4 माइल्स के रफ्तार पे। ये क्या है? सिग्नल लाइट है ना, सिग्नल लाइट देखो गाइस, पहले के ज़माने में ऐसा हुआ हुआ करता था, अब तो सारे बदल गए हैं। स्पीड कम हो रहा है यार, तो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं स्पीड को, 15-20 पे कर देते हैं। हमें ट्रैवल करना है गाइस, 30 माइल्स। और ये है विंडो, और ये साइड वाला विंडो, साइड वाला विंडो कभी भी खुला रहता है, और इसे हम चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा, वापस खोल भी सकते हैं। दिस इज द एजेक्टर गाइस, द लार्ज एजेक्टर है, ये स्मॉल इजेक्टर है। दिस इज फॉर द ब्रेक प्रेशर्स इन एंड आउट। और मैडम जी जो अच्छे से काम कर रही है हमारे हेल्पर, कोयले को लोड करना उनका काम है। यहाँ पे देखो गाइस, कितना खूबसूरत सा एक घर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। देखो गाइस ट्रेन का पूरा व्यू कैसा आ रहा है, चढ़ाई है गाइस। ट्रेन का स्पीड कम नहीं होना चाहिए, बस हमारा टारगेट ये है 6.2 पे जा रहा है, जैसे जा रहा है जैसे जाने दो, क्योंकि अगर हर वक्त अगर हम इधर स्पीड को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे ना, तो स्लिप होने का डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फुल स्नो कंडीशन, आइसी आइसी क्लाइमेट है, केयरफुल रहना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर का घर आ गया,
घर नहीं बोल सकते हैं, ऑफिस क्या लिखा है बोर्ड पे, एक्सिबिशन जंक्शन, एक्सिबिशन जंक्शन। देखो गाइस एक्सिबिशन जंक्शन है, तो आगे कोई रेलवे स्टेशन आएगा क्या? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकता है। फॉरन दबाते हैं गाइस, फॉरन जा रहे हैं हम। 25 पे कर लेते हैं स्पीड को गाइस, थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि हमें जल्दी पहुंचना है। 2, 23, 24, 25। सिग्नल की कोई चिंता नहीं है, सिग्नल तो ग्रीन है। हमने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया गाइस, अभी 7.8 पे जा रही है ट्रेन हमारी, और पीछे के सारे बॉक्स सारे परफेक्ट हैं। पे जा रही है 8.6, चढ़ाई और बढ़ गई है, 0.9 से 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, चढ़ाई ज़्यादा बढ़ रही है। या हमें स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, स्पीड कम हो रहा है, 30 पे लाते हैं। कम हो गया, वापस बढ़ गया, क्या हो क्या रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। कम हो गया वापस, 0.9 पे आ गया, कोई बात नहीं, 0.3 गए सब देखो गए, थोड़ी चढ़ाई जो है कम पड़ गई, 0.4 हो गया। जैसे 1.2 के चढ़ाई थी, ऑटोमेटिकली 1.4 नीचे हो गया। अब स्पीड देखना गाइस कैसे बढ़ेगा, एकदम से स्पीड बढ़ जाएगा। चेकिंग पे जा रही है, क्या कहाँ हम जा रहे थे 6 पे 7 पे 8 पे, अब जो ट्रेन है 18-19 स्पीड पे जा रही है, ओवर द लिमिट, लिमिट 20 का दिया है, हम 5 पे जा रहे हैं। और रह गया है कितना समय, ट्रेन ओवर स्पिनिंग हो गया गाइस। अब देखो गाइस चढ़ाई 2.8%, 4 गुना बढ़ गया चढ़ाई, अब स्पीड पूरा घटेगा, वापस चढ़ाई इसी स्पीड पे आ जाएगा जो पहले था। 25 तक लास्ट गया गाइस स्पीड इसका, अब 25 से 22 पे आ गया, अब देखो और नीचे उतरेगा, 15 पे आ जाएगा। ओहो हम कोई शहर के अंदर आ गए हैं गाइस, देखो कितने सारे घर हैं, सबके घर के ऊपर चिमनी लगाई हुई है, सब अंदर घर के अंदर गर्मी से करें, गर्मी क्या करेंगे वरना जम जाएगा ना बर्फ में। अब वापस ढलान आ गया 1.7% का, इस माइल्स बाकी है अभी।
26 की रफ्तार हो गई है, 26 27 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हम अंदर बैठ जाते हैं गाइस थोड़ी देर ट्रेन के अंदर। ये जो है ये कैन है पानी पीने का, हमने इधर इसके ऊपर इसलिए रखा है ताकि पानी जो है हमारा गर्म रहे, वरना इस मौसम में क्या है बर्फ बन जाता है पानी। तो गैस हमने अच्छे खासी रफ्तार पकड़ ली, अभी 30 माइल्स की रफ्तार पे हम जा रहे हैं, 30 के स्पीड पे हम जा रहे हैं, चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। हमारी जो ट्रेन है अच्छी खासी रफ्तार पे जा रही है, 32 माइल्स का रफ्तार है। मैं तो बस बैठे बैठे नज़ारे का मजा ले रहा हूँ, काम तो है नहीं अभी इंजन के अंदर इतना। नज़ारे भी कमाल के हैं गाइस, कैसे कैसे घर बनाए हैं, एक ही लाइन लाइन से लाइन लाइन, एक में कितना घर होगा, 10 घर होगा ना, और घरों के बीच में क्या है? अच्छा पीछे का वो है क्या कहते हैं बैक यार्ड, कोई रेलवे स्टेशन आया है अभी। और रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए हमारी ट्रेन जा रही है, और हमें जाना है बैसफोर्ड हॉल। क्या करते हैं स्पीड और बढ़ा देते हैं ताकि हम 100 पे जाएं और जल्दी पहुंच जाए। देखो गाइस हम 40 पे जा रहे हैं और स्पीड बढ़ती जा रही है हमारी ट्रेन की, और हमने रेगुलेटर को सेट कर दिया है 50 पे ताकि हमें और ज़्यादा स्पीड जाना है। नीचे के टायर देखते हैं गाइस कैसे घूम रहे हैं, वाह इनको देखने का ही मज़ा ही अलग होता है, देखते रहो बस टायर्स को ऐसे 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 मजा आता है देखने में इन टायर्स को।
आवाज भी खतरनाक आ रही है इंजन की, खड़ आवाज आ रही है, सुनने में अच्छा लग। ओहो 50 पे जा रहे हैं गए, हमारी ट्रेन की रफ्तार देखो 50। और दूसरा एक और रेलवे स्टेशन आ गया गए, रेलवे स्टेशन का नाम क्या है भाई, बोर्ड तो लगाया करो यार ताकि पता चले कौन सा गांव आया है। कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं। रफ्तार देखो गए हमारे ट्रेन की, बाप रे बाप क्या स्पीड है यार। हो क्या रफ्तार है यार, भागती जा रही है, भागती जा रही है। पूरा ट्रेन ट्रैक ट्रैक ही नहीं दिख रहा है, इतना धुआं छोड़ रहा है, धुआं नहीं बोलते हैं बर्फ का आइस का थ्रॉटल को और बढ़ाते हैं कहीं फुल स्पीड से करते हैं, अभी अभी से सेट करते हैं सेवेंटी परसेंट हो गया है शायद, टोटल 70 और हमारी स्पीड अभी 57 पे है। ओहो टायर देखो गाइस कैसे घूम रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टायर है दो, ये दो जो है इसे घुमा रहे हैं और इन दोनों को है अंदर के इंजन को मारे, कौन सा कैसा है। और बस पूरा इन चारों मिलके पूरे ट्रेन को मारे। रिपोर्ट स्टेशन आ गया, इस बार हम स्टेशन का नाम देख के छोड़ेंगे, कहाँ आओ गया गया पर दिखाई नहीं, कैसे दिखाई नहीं गया। और ये जा रही है ट्रेन, मैंने इसे 70 पे सेट किया हूँ और 70 पे सेट करने के बाद सामने जा रही है फुल रफ्तार गई, सारे डब्बे हिल रहे हैं, अंदर का इंजन देखो गैस कैसे हिल रहा है। और कर्व में पूरा ऐसे बेंड हो रहा है, साठ से ऊपर नहीं जा रही है गाइस ट्रेन, चढ़ाई भी आ गई है, जीरो पॉइंट 3।